मिस्टर मंगेश, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, हमने गुनहगार को पकड़ लिया है, तो अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। देखिए मैडम, बेशक जो ने अपना अपराध कबूल कर लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे, वो भी ऐसे ही। देखिए, हमें ये बिल्कुल वैसी चाहिए जैसे शादी से पहले हमें इनके बारे में बताया गया था, एकदम परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न। परफेक्ट मतलब जैसे दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता वैसा परफेक्ट। वो आपके लिए क्या सुपर वुमन बन के बताएं आप? और ऐसा क्यों करें वो? क्योंकि शादी से पहले जो इन्होंने लिख कर दिया था उसके अंदर यही सब लिख कर दिया था ना, और अगर वो लिख कर दिया था तो अब उसको पूरा भी करना ही पड़ेगा, यही कायदा है, नहीं तो फिर ये चीटिंग कहलाएगी ना मैडम। वैसे चीटिंग तो हमारे और हमारे लल्ला के साथ भी हुई है, फोन के डब्बे में ट्रांसमीटर मिला है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, शायद उड़ भी जाऊंगा। आ रहा हूँ पुष्पा मौसी। दीदी। हाँ हाँ दीदी, लेकिन हम उड़ेंगे। अरे क्या टोपा गए हो क्या? एकदम पोज मार के खड़े हो, गिर जाओगे, लग जाएगी। इधर आओ। अरे नहीं बेटा, हम टोपागिरी नहीं कर रहे हैं। ये जो आदमी है ना, इसका बनाया हुआ कच्चा है, इसको पहने हम लोग। अरे मैडम, इस पर लिखा हुआ है जो इसे पहनेगा वो सुपर हीरो बनेगा, जो हम बन गए। हमने कुमार कच्चे वाले का कच्चा पहना, अब हम उड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उड़ो। और फिर ऊपर जाके ना ऐसे देखो, कहने वाले थे। अरे मैडम, क्या उड़ो उड़ो बोल रही हैं आप, वो गिर जाएंगे, गिर गए तो मर जाएंगे वो। मैडम कुछ तो सोचिए ना, और ऐसा कहीं होता है क्या? होता है, होता है, एकदम होता है भैया। ऐसे आप बगलोर टाइप के आदमी थोड़ी हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड पर कुछ भी लिखवा दीजिएगा। देखिए क्या लिखवाया है, पहन के बन जाओ सुपर हीरो। देखिए आप खुद लिखवाया है ना, आप लिखवाए हैं तो होता ही होगा। ये बदनाम भाई, ये कन्विंस हो जाए कि नहीं? नहीं तो अगर हमें कूदना पड़ा तो गद्दे तो नहीं दिख रहे हैं। बाबा दुआ कर कि गद्दे सही समय पे आ जाए। उड़ना दीजिए ना जी, कूद, उड़ो उड़ो उड़ो। मैडम मर जाएंगे ये लोग, क्या कूदो कूदो बोल रहे हैं आप सब लोग। रुक जा भाई, मैडम रोकिए इन्हें। अरे रोकिए भैया, अरे रोक लो इन्हें। अरे अरे ये तो उड़ा ही नहीं, इनका क्या उड़ गया? बाप रे, प्राण पखीर उड़ गए। लेट मी चेक फर्स्ट, नाड़ी शोधन। है, जिंदा है। अरे भैया फिर एम्बुलेंस बुलाओ ना, डॉक्टर बुलाओ किसी को। ना ना एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस का स्ट्राइक है आज। आज? हाँ। अरे यार, अरे स्टीम, मैडम मैंने क्या किया? क्यों, आप ही की एडवर्टाइजिंग कंपनी का स्लोगन है ना कि हमारा कच्चा पहनिए और उड़ जाइए। इन लोगों ने उस बात पर यकीन कर लिया, आपकी वजह से इन्होंने ऐसी हरकत की है। और देखिए ये ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम मैडम, वो तो हमारी मार्केटिंग है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं। और वैसे देखिए, सबको पता है कि उड़ने वाले कच्चे जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और अगर उसके बाद भी कोई इस पे विश्वास करता है तो वो उनकी गलती है, हमारी नहीं। अच्छा तो फिर ठीक, इसी तरह जब इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर लोग अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद करते ही क्यों हैं? और नहीं तो क्या, दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं। हम इंसान हैं, सब में कमियां होती है। सही मायनों में यही कमियां जो होती है वो हमें निरंतर और अच्छा और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। देखिए अगर जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता, किसी में अगर कमी ना होती तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाती ना, मतलब रूठना मनाना नहीं होता, झगड़े नहीं होते, कितना बोरिंग होता, कितना रसी नहीं होता जिंदगी में। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना वो कमियों से ही बनता है, कमियां जो है उसका मेन आधार है। बिल्कुल सही, रिश्ता कोई भी हो, इंसान कोई भी, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। मुझे माफ कर दो चांदनी, खुद में हजार कमियां थी लेकिन परफेक्शन बाहर ढूंढता रहा, और तो मेरी सोच में था तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अब सवाल ये है कि मैं जैसा भी हूं क्या तुम्हें मैं स्वीकार हूं? हाँ।
मैडम जी, जो आपने कहा वो कर दिखाया। हम अपने घर जा रहे हैं, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। हमारी तरफ से आपके इस थाने की जादू की छड़ी के लिए एक सल्यूट तो बनता है। अरे चाय पी रहे, फटाफट हाथ पैर चलाओ ना, जाओ यहां से, वहां जाओ। बिल्लू, बिल्ले, बिलोटे, बिल्लू मेरे भाई, हट, हट, इधर, किताब दे दो, अरे मेरी किताब, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मेरी किताब दे दो, माँ, ये देखो मैं क्या कर रहे हैं, माँ, क्या कर रहे हो, क्या कर, लाओ इधर लाओ, इधर लाओ किताब, बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहे हैं उसको, ये लो, थैंक यू माँ, ये बच्चा, वैसे क्या है ये जो तुम इतना मन लगा के पढ़ रहे हो, माँ, नायाब किताब है, आज देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर है, चोर उचक्कों की जुबान पर है। ये किताब नहीं, हमारे चोरों पर ये राइटर दोनों हाथों से अपने अलीबाबा का खजाना लुटा रहा है। हाँ सुनो, ये राइटर है, इसकी पहली किताब छपी, जैसे ही छपी पहली चोरी हुई। पहली किताब की कहानी क्या थी, म्यूजियम में ऐतिहासिक बेशकीमती तलवार फुर हो गई। सेम वही वारदात असलियत में हुई, तलवार चोरी हो गई, फिर दूसरी किताब छपी, ये भी चोरी की वारदात पर ही है। बस अभी देखना ये है कि चोरी कहाँ, कब, कैसे होती है। अच्छा अच्छा, किताब का नाम क्या है? हाँ, किताब का नाम रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार। बिल्लू पढ़ के सुना, हमें सुना। 300 साल पुराना एक बेशकीमती हीरा, हीरे का नाम है दिलकश। गवर्नमेंट के अभिलेखागार नहीं लिखा है, आर्काइव्स बोलते उसको। अच्छा, गवर्नमेंट के आर्काइव्स सेंटर ले जाया जा रहा है। हीरे की सुरक्षा के लिए दो बहुत ही बहादुर, ईमानदार और काबिल हथियारबंद पुलिस ऑफिसर उसके साथ सफर कर रहे हैं। हीरे को पूरी हिफाजत से आर्काइव सेंटर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं दो बहादुर पुलिस ऑफिसर को दी गई है, मलिका हबीब और सुष्मिता सिंह। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं। देखिए आप प्लीज हीरे का टेंशन मत लीजिए, हम उसे सही सलामत रेस्टोरेशन सेंटर पहुंचा देंगे, फिर हमारा काम खत्म। नहीं नहीं मैडम सर, वो बात नहीं है, वो ठीक से सो नहीं पाए। क्यों? पुष्पा जी की वजह से। हमें जब से उनको पता चला है कि ये जो दिलकश हीरा जो है उसका रखवाली करने के लिए हमें रखा गया है, तो वो एकदम से सकपका गई है। कह रही है कि वो दिलकश हीरा जो है उसका उनको दर्शन करना है, एक बार देखना है, ऐसा हीरा है जो हम कहाँ से दिखाए, कहाँ से दर्शन कराए, हमने खुद ही नहीं देखा अभी तक। अब चोरी वोरी करना पड़ेगा उनके लिए लग रहा है। क्या चोरी? नहीं, भाई साहब आप घबराइए, मजाक कर रहे हैं। अरे आपके दिलकश हीरे की रखवाली करने के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं करेंगे। वैसे दिखा सकते हैं, मतलब हमें ऐसी, हम भी तो देखे झलक है क्या ये दिलकश हीरा। हाँ वैसे मन तो हमारा भी है। वाह, अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया है ये तो, इसका रोशनी से एकदम हमारी आंखें चकाचौंध हो गई है। ऐसा शानदार झिलमिलाता खूबसूरत हीरा जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। पता नहीं कितनी बार कितने महारथियों ने उस हीरे को चुराने की, लूटने की कोशिश की, पर हर बार नाकामयाब। कोई उस हीरे को छू तक नहीं पाया। कहा जाता है कि उस हीरे में कोई ऐसी पावर है जो कोई कभी उसके पास भटका ही नहीं। यहाँ भी दिलकश उतने ही सुरक्षित हाथों में था। फिर भी दोनों पुलिस अफसर होशियार थे, चौकन्ने थे, क्योंकि वो जानते थे कि दिलकश को चुराने की कोशिश जरूर होगी। और हुई, कोशिश हुई। अचानक एक जगह भीड़ की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा। अरे माँ, क्या, रुको,
कहीं भी शुरू हो जाते हैं। पर असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। गाड़ी ट्रैफिक में रुक जाती है और अचानक एक भिखारी इशारे से खाने के लिए मांग रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़िए। भैया बोल दिया ना नहीं, अभी जाइए ना। मैडम सर कुछ है तो दे दीजिए इसको, ये नहीं जाएगा ये। ये तो जाना होगा नहीं तो ये सुबह तक खाली नहीं होगा। चलिए आए। हाँ अरे क्या हो रहा है, हटाइए ये सब। अरे जल्दी जल्दी कीजिए ना। चलो चलो चलो, चलो जल्दी। क्या कर रहे हैं, निकालिए दो में क्या। रखिए ये सब, चलिए उठाओ ये सब। चलो फाइनली चलिए। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप वो डायमंड तो ले लीजिए जिसके लिए आए। सॉरी मैं भूल गया था। हर कोई गाड़ी का दरवाजा खोलने की जी जान से कोशिश कर रहा है पर गाड़ी के दरवाजे खुल नहीं रहे। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, बिना ड्राइवर बिना पैसेंजर की गाड़ी का स्टीयरिंग घूमने लगता है। करिश्मा सिंह, गाड़ी खुद ब खुद मूव करने लगती है, तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये कैसे, रुको। दोनों ऑफिसर अपनी गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं, सब बेकार क्योंकि गाड़ी गायब हो जाती है। ओहो एक अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय, असाधारण। बस बस अभी नहीं सुननी हमें कहानी, बस बहुत हो गया, हमें डर लगने लगा है। मां? नहीं नहीं बस नहीं नहीं, एक काम करो, डर तो हमें भी लग रहा है लेकिन बताओ कहानी, हम आगे जानना चाहते। अरे हमने कहा ना आगे कहानी नहीं पढ़ोगे तुम, बदनाम। चाय लेकर आ। नहीं पुष्पा जी, पुष्पा जी ले पढ़ा। माँ ने कहा ना नहीं मतलब नहीं, नहीं होगी कहानी आगे। बस एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, साइलेंट पे है, वाइब्रेट हो रहा है। हेलो आई एम बिलू द स्पाई, ओवर एंड आउट। ए नहीं बोलो तुम, क्या है, क्या हीरा चोरी हो गया। आज हम सबके लिए दम आलू बनाकर लेकर आए हैं। हाँ? अपने हाथों से। हाँ? आजा आजा चखके बताओ कैसा बना। आई आई दीजिए दीजिए संतुलित टेस्ट कीजिए आप। कैसा बना है, कैसा बना है? पुष्पा जी बहुत टेस्टी बनाए हैं तो खाइए खाइए। हम तो बिल्ले, आ बैठो खाओ, आ। ये हो ही नहीं सकता। क्या हम दम आलू नहीं बना सकते? चोरी है, हमने कोई चोरी नहीं की, अपने हाथों से बनाया है। तुमको खाना है तो खाओ वरना जाओ। पुष्पा जी रेसिपी बताओ ना इसकी। इसकी रेसिपी बताएं? बताते बताते एक मिनट। सबसे पहले ना अपने बहू के साथ झगड़ा करो। हाँ? उसको कोसो, उसको ताने मारो, उस पर बर्तन फेंको, उसको खरी खोटी सुनाओ। अच्छा उससे क्या होगा? उससे मूड खराब होगा ना। बहू का? ना ना सास का। नहीं एक सेकंड पुष्पा जी, उसका ये दम आलू की रेसिपी से क्या कनेक्शन है? अरे टोटका है ये। हाँ ऐसा कहते हैं कि बहू से झगड़ा करते करते अगर हम दम आलू बनाते हैं ना तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। अच्छा तो आप कह रही हैं कि दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैं शादी करूं, है? शादी करने के बाद बच्चा करूं और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी भी नहीं होगी, तो उसके बाद उसकी भी शादी कराऊं और उसके बाद अपनी बहू से झगड़ा करूं, उसको मारूं पीटूं बर्तन फेंकूं उसके ऊपर और उसके बाद दम आलू जो है वो टेस्टी बनेंगे। ना संतु जी आप ना खाली शादी कीजिए, बाकी का सारा जिम्मेदारी हमारा। तू क्यों जिम्मेदारी लेगा, मेरा पति होगा ना। समझ जा वक्त है, वक्त है। ये आलू में दमी नहीं है। अरे खाया होता तो पता चलता ना। हा? मैंने खाया नहीं। ओवर एक्टिंग कर रहा। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। इसकी मैया का सासू मैया, पहली बार खुद को चूरन बनते हुए देखा है, खुद की नजरों के सामने समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया एकदम से, और खुद को कुछ समझ में नहीं आएगा तो डिपार्टमेंट को खाक समझाएंगे हम। अरे मगर हुआ क्या? हम समझाते हैं ठीक से। हुआ ये कि हम लोग उस दिलकश नाम का जो डायमंड है उसे लेकर जा रहे थे।
तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। क्या मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ी अपने आप लॉक हो गई और शुरू हो गई और चल पड़ी? एग्जैक्टली। मैडम सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बिल्लू बाद में आराम से बात करेंगे, अभी प्रॉब्लम चल रही है। करिश्मा मैडम प्लीज मुझे कुछ कहना है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको हम समझाते हैं। चलो चलो। मामा मैडम मैडम मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी बनाओ, गाय बनाओ, बकरा बनाओ, चिंपांजी बनाओ, बंदर बनाओ, कांगारू बनाओ, जो चाहे बनाओ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं चाहता हाय। क्या बकना है तुमको? आजकल मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसमें जो चोरी की वारदात की कहानी लिखी हुई है वैसी की वैसी कहानी आपके साथ हुई है। वो दिलकश हीरा कहानी में जैसे ही चुराया गया है वैसे ही आपके साथ हुआ है। अब कौन सी किताब है ये? वही किताब, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, जिसका राइटर है मोहन प्रजापति। उसके पहले जो किताब मार्केट में आई है एकदम बेस्ट सेलर है, और जो वो किताब है उसकी जो कहानी है वो सेम चोरी की वारदात पर लिखी हुई और वैसे ही वारदात समाज में घटी है। और ये दूसरी किताब अभी छपी है रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, उसकी भी चोरी की वारदात की कहानी आपके साथ घटित हुई है, सेम टू सेम, कुछ भी इधर उधर नहीं है। मैडम सर हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्लू ने ये किताब पढ़ी है और उसने आप लोगों के साथ जो हुआ ना ये हमें पहले ही बता दिया था। सही कह रही है पुष्पा जी, आप भी कर लीजिए बकैती। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी सुना है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं मानेंगी। ये तंत्र जाल मंत्र जाल क्या है ये सब? ये पॉकेट बुक्स पहले के जमाने में छपता था, कोई नहीं पढ़ता। आज के जमाने में तो कोई बुक नहीं पढ़ता है, सबके हाथ में ना ये इंटरनेट बाबा है, सब इसको ही पढ़ते हैं आजकल। बुक पढ़ने का बात कर रहे हो तुम? मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। प्लीज 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 सुन लो, प्लीज सुन लो, प्लीज। तुम्हारी करिश्मा सिंह सुनाओ। और फिर अचानक गाड़ी के पास एक भिखारी आता है, नूडल जैसे लंबे लंबे झाड़ छंकाड़ बाल, खिचड़ी दाढ़ी, काले ओठ, लाल आंखें, गंदे हाथ, लंबे नाखून। गाड़ी का शीशा ठकठकाता है, इशारे से खाने को कुछ मांगता है और फिर वैसे ही चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ये कैसे हो सकता है? तुम काहे चुप हो रहे हो, तुम बढ़ो आगे। हाँ तब यहां पता चलता है चोर बल्कि कोई और नहीं, अरे बोलोगे? टू बी कंटिन्यूड ये कैसा नाम है? मतलब कि अब अगले पार्ट में वो बताएंगे कि कौन है। थैंक यू। नहीं नहीं वो तो पता है हमें संतु। ओ हाँ, मगर पढ़ेंगे क्या? अभी तक किताब छपी नहीं ना। तीसरा पार्ट आया ही नहीं, ये दूसरा पार्ट है। हम सब बकैती है, ये ऐसा नहीं होता है कि किसी को किसी का भविष्य पता चल जाता है। ये तो एक संजोग का बात हो गया कि वहाँ पे लेखक ने कुछ लिख दिया और बिल्कुल हमारे साथ पैसा हो गया। नहीं मानते हम इस बकवास में, समझ गए? संजोग, वो भी दो दो बार, कोइंसिडेंस। पहले ही इस लेखक की जो किताब आई है उस पर सेम टू सेम ऐसी वारदात हुई है, अब ये इनकी तीसरी किताब, जो लिखा है वही हुआ है वैसे कि वैसे। कैसे? देखो फिलहाल हमारे पास इस नॉनसेंस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हेडक्वार्टर से बार बार हमें फोन आ रहा है, हमें डीएसपी सर को रिपोर्ट करना है, ठीक है? फिलहाल आप लोग इसके बारे में पता लगाइए। क्या नाम है किताब का? रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार। हाँ किताब के बारे में पता लगाइए संतोष शर्मा, और इसका जो राइटर है मोहन प्रजापति। मोहन प्रजापति, इसके पहले उनकी कौन सी किताब आई थी, इसके बाद कौन सी आने वाली है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सब कुछ निकालिए। क्लियर? फिर से मैडम सर अपने जज्बात के तरीके से केस सॉल्व करेगी, मगर हम इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इज्जत का सवाल है, हमें ही कुछ करना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।